नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, IPL 2020 का तीसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया, जहां पर दोस्तों कोहली के रियल चैलेंजर्स ने वार्नर के हैदराबादियों का सन जो है वो अस्त कर दिया और मैच में एक शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद कोहली एंड कंपनी काफ़ी खुश नज़र आई। वहीं पर दोस्तों आज शाम को 7:30 बजे से IPL 2020 का चौथा मुकाबला खेले जाएगा, जो कि बेसिकली राजस्थान के रजवाड़ों और चेन्नई के सुपर किंग्स के बीच में होगा। एक बार फिर से मैदान पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी। और दोस्तों ये मुकाबला शारजा के मैदान पर होगा। आपको बता दें कि शारजा के मैदान पर का ये मैदान का ये पहला ही मुकाबला है, जहां पर इस वीडियो में आपको मैच से और मैदान से जुड़ी तमाम जानकारी हम देने वाले हैं, और साथ में अंत में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। दोस्तों अब तक हमारी तीन मैचों की प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई है, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं तीनों वीडियोस की प्रेडिक्शन। और दोस्तों आपका पूरा IPL के मैच आपको जो है वो पूरे IPL मैचों की प्रेडिक्शन जो है वो इसी तरह से हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले साल जब ये दोनों टीम सामने सामने हुई थी, तो दोनों मैच में CSK ने राजस्थान रॉयल्स को रन डाला था, और दोस्तों इसी वजह से इस सीजन का अपना दूसरा मुकाबला खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स को फेवरेट माना जा रहा है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स पिछले 5 मैचों में से एक ही मुकाबला जो है वो जीत पाई है। वहीं पर दोस्तों रजवाड़ों का ये इस सीजन का पहला ही मैच है, और इसमें टीम अपने रेगुलर कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ में उतरेगी। हालांकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के की प्लेयर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर पहले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, जहां पर दोस्तों बटलर बाकी खिलाड़ियों के साथ में UAE नहीं आए थे, बल्कि अपने परिवार के साथ में बाद में UAE पहुंचे, तो इसी वजह से वो बायो बबल को तोड़ चुके थे, तो इसी वजह से उनके परिवार और उनको 6 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, जहां पर वो पहले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। वहीं पर दोस्तों स्टोक्स के पिता को ब्रेन कैंसर है, और इसी कारण वो उनका इलाज कराने के लिए क्राइस्टचर्च में है। बात करें दोस्तों पिच रिपोर्ट और मौसम की, तो शारजा में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा और टेम्परेचर वही 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और पिच से दोस्तों बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, इसके अलावा स्पिनर्स को भी टर्न हल्का सा मिलेगा। वहीं पर दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि लेकिन दोस्तों तीन मैचों में ट्रेंड चला रहा है कि टॉस जीतकर कप्तान जो है वो फील्डिंग करने का फैसला ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बाद में ड्यू का भी एक फैक्टर रहता है, जहां पर बाद में गेंदबाजों को दिक्कत आती है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 13 T20 मुकाबलों में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो यहाँ पर 69% मैच जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहली पारी में यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो 150 के आसपास ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों नज़र डालें दोनों टीम्स के हेड टू हेड मुकाबलों पर, तो दोस्तों कुल 22 बार इन दोनों टीम्स का आमना सामना अब तक हुआ है IPL में, जिसमें 14 में चेन्नई भारी पड़ी है और 8 में रॉयल्स को जीत मिली है। वहीं पर दोस्तों CSK के लिए अच्छी खबर है कि इनके खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने कोरोना को हरा दिया है और ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वहीं पर दोस्तों इसके साथ ही खिलाड़ी दीपक चाहर पहले ही कोरोना को हरा चुके हैं और पहला मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों रॉयल्स में स्मिथ, उथप्पा और आर्चर इनके की प्लेयर्स रहने वाले हैं, और दोस्तों इसके अलावा संजू सैमसन भी इनके अहम बल्लेबाज रहने वाले हैं। ऑलराउंडर्स में दोस्तों टॉम करन और श्रेयस गोपाल रह सकते हैं। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले जोफ्रा आर्चर के अलावा जयदेव नाथकट और वरुण एरोन बड़े खिलाड़ी होंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों चेन्नई की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पिछला मैच इन्होंने जीता है, तो यहाँ पर कोई भी बदलाव ये नहीं करना चाहेंगे अनलेस कोई इंजरी हो। तो इसके तो इनकी तरफ से दोस्तों मुरली विजय के साथ में शेन वॉटसन ओपन करने वाले हैं। इसके बाद नंबर 3 पर फैफ डुप्लेसिस, नंबर 4 पर रायडू, नंबर 5 पर MS धोनी, नंबर 6 पर केदार जाधव, नंबर 7 पर सैम करन खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर दीपक चाहर, नंबर 10 पर पीयूष चावला और नंबर 11 पर लुंगी एंगड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो क्योंकि इस मैच में बटलर अवेलेबल नहीं होंगे, तो यशस्वी जायसवाल के साथ में संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर रॉबिन उथप्पा, नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर रियान पराग और नंबर 7 पर श्रेयस गोपाल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर राहुल तेवतिया, नंबर 9 पर टॉम करन, नंबर 10 पर जोफ्रा आर्चर और नंबर 11 पर जयदेव नाटकट खेलेंगे। और दोस्तों बात करें कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, तो दोस्तों ऑन पेपर अगर बात करें तो चेन्नई की टीम का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है आंकड़ों में, रिकॉर्ड्स में, और रॉयल्स जो है वो यहां पर काफी कमजोर नजर आ रही है पेपर्स पर। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग
आज का मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत सकती है क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है और गेंदबाजी है। तो अकॉर्डिंग टू मी राजस्थान रॉयल्स के 55% चांसेस इस मैच में बन रहे हैं और 45% CSK के। दोस्तों ये प्रेडिक्शन केवल एक अनुमान है जो कि हमारे गैसिंग सेंस से हमने बताया है। दोस्तों क्या कहता है आपका गैसिंग सेंस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। और साथ में क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। धन्यवाद।